हे हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द लेवल इज सी ए इंटरमीडिएट सब्जेक्ट का नाम है आपके पेपर एट ए दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटल साठ मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आएगा और इसका पार्ट बी जो है उसका नाम है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस तो ये आपको आएगा चालीस मार्क्स के लिए तो कुल मिलाकर आपका सौ मार्क्स का ये पार्ट ए और पार्ट बी बनता है और हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स तो पार्ट ए जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज एफ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एनालिसिस तो यहाँ पे रेंज आप देखिए चैप्टर नंबर वन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देन देर इज चैप्टर नंबर थ्री फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशियोज तो चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर थ्री इनके ऊपर दस से लेकर पंद्रह परसेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अर्थात छः से लेकर नौ मार्क्स देन सेकंड रेंज जो हमारी है वहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर टू दैट इज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस देन देर इज चैप्टर नंबर फोर दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन देर इज चैप्टर नंबर फाइव विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजनस देन देर इज चैप्टर नंबर सिक्स विच इज लेवरेजेस तो हमारे पास कितने चैप्टर्स है सेकंड रेंज में चैप्टर नंबर टू फोर फाइव एंड सिक्स चार चैप्टर्स को मिला के कुल मिलाकर साठ मार्क्स है ना रे इसके ऊपर कितना है सिक्सटी मार्क्स में से कुल मिलाकर फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट यहाँ पे एलोकेट हुआ है अर्थात सिक्सटी मार्क्स में से ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन मार्क्स के क्वेश्चन आपको इन चार चैप्टर्स में से पूछे जा सकते हैं देन देर इज रेंज नंबर थ्री विच इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस इसमें आपको चैप्टर नंबर सेवन मिलता है जिसका नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके बाद चैप्टर नंबर एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेंटी इन कैपिटल बजेटिंग डिसीजन देन देर इज चैप्टर नंबर नाइन विच इज चैप्टर नंबर सेवन एट नाइन इन तीन चैप्टर्स को मिला के 30 टू 35% का वेटेज है अर्थात इन तीन चैप्टर्स को मिला के 18 से लेकर 21 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं देन द लास्ट रेंज इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जिसका इंस्टीट्यूट का चैप्टर नंबर है 10 इस चैप्टर नंबर 10 के ऊपर 10% से लेकर 15% के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अर्थात 60 मार्क्स में से 6 से नौ मार्क्स इस चैप्टर के ऊपर पूछे जाएंगे मार्क्स के लिए आपको आने वाला है सबसे पहले चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इसके ऊपर 40 में से 20 टू 30 परसेंट का वेटेज है अर्थात 40 में से 8 से लेकर 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे फिर आप देखिए पब्लिक फाइनेंस चैप्टर नंबर टू इज़ पब्लिक फाइनेंस चैप्टर नंबर थ्री इज मनी मार्केट चैप्टर नंबर फोर इज इंटरनेशनल ट्रेड तो इस प्रकार से आपके चार चैप्टर्स बनते हैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में और उन सारे चैप्टर्स को इक्वल रेंज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यानी हर एक चैप्टर से आठ से लेकर बारह मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है प्रॉबेबिलिटी बनती है चांसेस बनते हैं अर्थात ईच चैप्टर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड फिर से एक बार डिस्क्लेमर आपको पता है कि इंस्टीट्यूट हमेशा सारे डॉक्यूमेंट स्टडी मटेरियल इशू करता है बट एक डिस्क्लेमर के साथ कि आप इसको रेफर करिए लेकिन आप हमारे एग्ज़ाम में ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो इसके हिसाब से किया आपने तो एग्ज़ाम दूसरे पैटर्न में सेट कर दिया पेपर के वेटेज चेंज कर दिए यस yes, इंस्टीट्यूट रिजर्व दैट पावर बट इन रेगुलर सिनेरियोस जब इंस्टीट्यूट अपने डॉक्यूमेंट से डेविएट नहीं करेगा तो इसी डॉक्यूमेंट के बेस इसी डॉक्यूमेंट को बेस बना के क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा ठीक है तो ये बात आप ध्यान में रखिए और ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दिस डॉक्यूमेंट इज़ फॉर द विच पर्पजेज फॉर रिविजन पर्पजेज पढ़ाई आपको हर एक चैप्टर की करनी है हर एक सब्जेक्ट की करनी है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में पास अगर आप होते हो तो ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे है ना तो ईच सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको केवल और केवल रिवीजन के लिए यूज़ करना है ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सके प्रायोरिटीज सेट कर सके कौन सा चैप्टर पहले करना है ठीक है ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए